Hey everybody, welcome or welcome back to my channel. My name is Ruby and this is a DIY video and I will be creating something very useful out of a tire. So if you want to know what I am going to be creating, this is this. So if you're interested in knowing how I did this, please keep watching the video. So इस वीडियो को बनाने के लिए आपको चाहिए of course एक used tire and depending on how high you want the length of the tire, you can use one tire or a couple of tires. You can stack them on top of each other and you can increase the height. But I was quite certain of the height that I wanted and I used just one tire and I found this tire lying outside my society, so I got it for absolutely free. But in case you don't find it, then you can always go to your nearest wo jo puncture wali aur wo sab dukane hoti hai unke paas aaram se mil jata hai and they can give you for very throwaway prices. It's not very expensive, they don't charge a lot because anyway it's not of any use for them, so they can give you for throwaway prices. So first cheez jo aapko karni hai wo aapko karna aapka tire aapko acche se saaf karna hai. So what I did, I washed it thoroughly, I used soap also and I washed it and I dried it. And जब वो अच्छे से सूख जाता है टायर तब वो रेडी होता है आपके स्टेप टू के लिए. अगर आप अच्छे से उसको नहीं सुखाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें फंगस डेवलप हो सकता है एंड इट कैन लेटर क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो बी वेरी श्योर दैट आपका टायर जो है वो एकदम अच्छे से सूखा हुआ है एंड टच इट फ्रॉम ऑल द साइड, मेक श्योर दैट इट इज कम्प्लीटली ड्राई, देन यू कैन मूव ऑन टू स्टेप नंबर टू. सो द स्टेप नंबर टू इज getting the top of the tire. I was very clear that I wanted a wooden top, so I got this from a nearest carpenter and I just told him the diameter and he cut it out for me. I think ये 8 mm की length है, I'm not sure, but whatever suits you आप वो ले सकते हो, कोई specification नहीं है, पतला मोटा जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो. And the third thing is you will be needing a lot of jute rope. So the idea is to wrap the jute rope around the tires and then stick the wooden on top of that and stick the wooden ply on top of it. So for that you will have to also understand कि आपको कितना रोप लगेगा. So मैं suggest करूँगी कि आप एक या दो roll जो भी आपके पास है उसको लगा के देख लो and then forecast how much you will need for the whole of the tire. सो मेरे पास पहले से एक रोल था छोटा जूट का, तो मैंने उसको पहले एक बार रैप किया एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना एरिया ले रहा है, फिर उसके बाद से मैं और लेकर आई तो मुझे काफ़ी सारा जूट रोप लग गया इसमें. सो द थर्ड स्टेप आफ्टर यू हैव योर टायर वॉश्ड ऑफ, आफ्टर यू हैव योर प्लाई सॉर्टेड, द थर्ड स्टेप इज रैपिंग द जूट रोप अराउंड द टायर. सो दिस इज द स्टेप दैट इज गोइंग टू टेक द मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आपको जैसे भी सूट करे, टायर को खड़ा करके बिठा करके, वॉट एवर सूट्स यू, आपको वो सारी विद्या लगानी है उसमें एंड यू हैव टू रैप योर टायर कंप्लीटली अप.
मी अ लॉट ऑफ टाइम. पूरा जूट रोप उसको रैप करने में बहुत समय लग गया एंड बीच में जूट रोप खत्म भी हो गई, सो आई हैड टू गो टू द मार्केट एंड गेट अनदर सेट. तो वो आया, फिर मैंने फिर अगले दिन कंटिन्यू किया पूरा जूट रोप लगा के. फिर फाइनली जब पूरा जूट रोप लग गया, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्शनल, यू कैन डू इट एंड यू कैन स्किप इट एज वेल. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई डिड वॉज स्प्रे पेंटिंग द होल सेटअप जो भी अभी तक बना था. सो मैंने स्प्रे पेंट इसलिए किया क्योंकि जो मेरा जूट रोप था इट वॉज नॉट वेरी इवन एंड आई डिड इट इंटेंशनली लाइक दैट. तो उसमें से ना बीच बीच में से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे. सो आई वॉन्टेड कि अगर कोई एकदम बहुत दूर से देखता है ना तो दैट ब्लैक शुड नॉट फ्लैश आउट, लाइक इट शुड नॉट पीप फ्रॉम दैट सेटअप. सो मैंने क्या किया, मैंने उस पर स्प्रे पेंट लगा दिया पूरे पे. तो अभी क्या हो गया, मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट लगाया तो उससे क्या हो गया, पूरे सेटअप को ना एक सिंगल टोन मिल गया. सो माई जूट वॉज ब्राउन एंड आई काइंड ऑफ स्प्रे पेंटेड द होल सेटअप. तो अगर आप दूर से भी देखोगे, सो ऑल्दो द जूट इज नॉट एवरीवेयर, बट उसको मैंने अच्छे से वो कर दिया है. तो दूर से देखने में इट इज कोहरेंट, इट्स नॉट एनीथिंग इज नॉट आउट ऑफ द पिक्चर. सो ये वाला स्टेप आप चाहो तो कर भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो. अगर आपके पास नहीं है स्प्रे पेंट एंड यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट, सो यू कैन कंप्लीटली स्किप इट. ऑल्सो आई स्प्रे पेंटेड द प्लाई ऑल्सो बिकॉज प्लाई का जो प्लाई की जो विड्थ थी जहाँ से उसको काटा गया था, इट वॉज ऑफ अ डिफरेंट शेड, वो अलग टेक्स्चर जा रहा था. तो मुझे वो पूरा सेम टेक्सचर करने के लिए मैंने उसके पूरे प्लाई पर भी स्प्रे पेंट कर दिया. सो नाउ वो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा दिखता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वॉज आई यूज दिस ग्लू टू स्टिक द प्लाई ऑन टॉप ऑफ द टायर. सो ऑल यू हैव टू डू इज मिक्स बोथ ऑफ देम इन इक्वल क्वांटिटी एंड देन अप्लाई इट ऑन द टायर एज वेल एंड ऑन द प्लाई एज वेल. बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस थे उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लगा हुआ. तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट पे लगा के उसको, और उसके बाद ये भी लिखा था कि पुट सम हैवी वेट ऑन इट. और तो मैंने, अब मेरे से हैवी तो क्या ही होगा, तो मैं उस पर बैठ गई एंड आई ट्राई टू सिट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट अच्छे से वो ग्लू चिपक जाए. बिकॉज उस प्लाई का उस पर चिपकना अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मूव करोगे टेबल तो प्लाई फिर उखड़ जाएगी, तो फिर इट्स नॉट गोना सर्व एनी पर्पस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्लाई है वो टायर पे बहुत अच्छे से चिपक जाए. तो उसके लिए मैंने उस पर ग्लू लगा के बैठी, कूदी, सब कुछ किया एंड आई गिव इट सम टाइम, आई लेट इट रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर दैट आई सॉ दैट इट वॉज completely fixed. So after that also for finishing touches, wherever it was left I just spray painted it so that it looks completely neat and clean. So that's how I created this. I hope you kind of got the hang of the flow of the process. और इसके बहुत सारे variant हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसा किया है तो आप भी ऐसा करो. You can always be creative and innovative about the process that you want to follow. If I have used jute rope, ज़रूरी नहीं है कि आप भी करो. आपको जो flexible लगे, आपको जो available हो, आप वो use कर सकते हो. So it is just about what is available and how much effort you want to put in. So that's how I created this and now let's see how it completely looks. So that was it for this video. I hope you like it and if you did, you know the drill, like, share, subscribe, and also I am gonna put the other DIY videos here and here, watch them as well, and also subscribe to the channel because I plan to do a lot more DIY videos. Sorry for the noise, I'm shooting it in the hall where I've kept this table, so there's a lot of background noise. And yeah, coming back to the point, I plan to shoot a lot more of DIY videos, so make sure you subscribe to the channel because then you'll get to know every time I post a video, and also it's for free, it's not gonna cost you anything, it's just one click, so do it. That's all for this video. I'll see you soon in another video. Till then, bye.